हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द टॉप एवरीथिंग। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, सरोज खान जो कि एक कोरियोग्राफर थी, वो अब हमारे बीच नहीं रही। इनका 3 जुलाई को दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया है और इनकी उम्र 71 साल थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इनकी लाइव स्टोरी एंड लाइफ स्टाइल बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप सरोज खान के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को कर दे लाइक। सरोज खान का रियल नेम निर्मला किशनचंद साधु सिंह नागपाल था, निकनेम मोटी बच्ची। प्रोफेशन से एक कोरियोग्राफर थी। सरोज खान का जन्म 22 नवंबर 1948 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। सरोज खान का निधन 3 जुलाई 2020 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ है और इनकी एज 71 साल थी। और इनके निधन का कारण कार्डियक अरेस्ट था, यानी कि दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया। अब बात करते हैं सरोज खान के करियर के बारे में। सरोज खान ने अपना करियर 3 साल की उम्र में ही स्टार्ट कर दिया था। 1952 में आई फिल्म नाजराना में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया था और फिर इसके बाद इन्होंने बैकग्राउंड डांसर के रूप में भी काम किया है। और फिर सरोज खान ने एज अ कोरियोग्राफर काम करना शुरू कर दिया था। और जब सरोज खान 13 साल की हुई तो इन्होंने शादी कर ली बी सोहन लाल से, जो उस टाइम पे 43 साल के थे। ये भी एक कोरियोग्राफर थे और इनके पति के ऑलरेडी 4 बच्चे थे और कुछ टाइम बाद दोनों सेपरेट हो गए। दोस्तों, इसके बाद सरोज खान को 1974 में ब्रेक मिला गीता मेरा नाम में, जिसमें इन्होंने एज अ कोरियोग्राफर काम किया। और इसके बाद इन्होंने श्रीदेवी और अनिल कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया में एज अ कोरियोग्राफर काम किया, बट इनको पहचान फिल्म नागिन के सॉन्ग में तेरी दुश्मन से मिला। और इसके बाद इन्होंने कई सारी फिल्म में एज अ कोरियोग्राफर और एज अ बैकग्राउंड डांसर काम किया। उनमें से कुछ फिल्मों के नाम हैं चांदनी, तेजाब, थानेदार, बेटा। और इन्होंने कई सारे टीवी शोज़ को जज भी किया है। सरोज खान ने 2005 में नच बलिए को जज किया था और इसके दूसरे सीजन को भी इन्होंने ही जज किया। और इसके बाद इन्होंने उस्तादों का उस्ताद को जज किया। और फिर 2008 में सरोज खान नचले हुए विद सरोज खान शो की कोरियोग्राफर भी रही। और इसी साल इन्होंने बूगी वूगी को जज किया। और इन्होंने ऐसे ही कई सारे शोज़ को जज किया है, जैसे कि झलक दिखला जा। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना सरोज खान आपको कैसी लगती थी। चलिए मिलवाते हैं आपको सरोज खान की फैमिली से। तो इनके फादर का नाम है किशनचंद साधु सिंह और इनके मदर का नाम है नोनी साधु सिंह। और इनके एक ब्रदर और 3 सिस्टर भी हैं। और सरोज खान के हस्बैंड का नाम है बी सोहन लाल, जो कि एक कोरियोग्राफर थे। और इनके बेटे का नाम है राजू खान। और इनकी 2 बेटी भी है, जिनका नाम है सुकन्या खान और दूसरी बेटी का नाम है हीना खान। वहीं बात करें सरोज खान रहती कहां पर थी, तो सरोज खान का अपना घर जो था वो मुंबई में था, जैसे कि आप इन पिक्चरों में देख सकते हैं। और ये यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रहती थी। वहीं बात करें इनके कार्स कलेक्शन के बारे में, तो सरोज खान के पास टोयोटो फॉर्चुनर थी जिसकी कीमत थी 30 लाख रुपए। और दूसरी कार इनके पास थी ऑडी Q3 जिसकी कीमत थी 35 लाख रुपए। अब बात करते हैं इनका नेटवर्क कितना था, तो इनका नेटवर्क था 36 करोड़ रुपए। तो ये थी सरोज खान की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप सरोज खान के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को कर दे लाइक और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं सरोज खान का डांस आपको कैसा लगता था।